गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आओ आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। ईवीएस में हमारी यूनिट 3 चल रही है, जिसमें आवर नीड्स, अभी तक हमने नीड्स में दो टॉपिक पढ़े थे, फूड और हाउस। ठीक है, आज हमारा आवर नीड में है वाटर। ठीक है, वाटर फॉर अस, पानी क्या है हमारे लिए? पानी। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या आप बिना पानी के जीवित रह सकते हैं? नहीं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर, केवल यही नहीं है कि केवल हमें ही पानी चाहिए, एनिमल्स और प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है। ठीक है, आपको पता है ना, वी नीड वाटर, पानी की आवश्यकता हमें किस किस चीज के लिए होती है? टू ड्रिंक, ड्रिंक पीने के लिए, टू Have a bath, नहाने के लिए, to cook food, खाना बनाने के लिए, to wash clothes, to put out fire, अगर कहीं आग लग जाती है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पानी की ही ना। बिना पानी के क्या आप उस आग पर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। We cannot live without drinking water, हम बिना पानी पिए जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसी चैप्टर का आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर है सोर्सेज ऑफ वाटर। सबसे पहले ये बताती हूँ मैं, सोर्सेज क्या होता है। सोर्सेज होते हैं साधन, किस चीज के जरिए हम वाटर को प्राप्त करते हैं, मतलब वाटर भी तो हमें कहीं से मिलता है ना, तो उसके साधन क्या हैं? वी गेट वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, इन सभी सोर्सेज के जरिए हम वाटर को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड, सी एंड ओशन, ट्यूबवेल, हैंडपंप। रेन बारिश, रिवर नदी, लेक झील, पॉन्ड तालाब, सी ओशन समुद्र और महासागर, और ये है ट्यूबवेल और हैंडपंप, ये होते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल और हैंडपंप है, ये तो है नहीं कि रेन का पानी उसमें भर रहा है, तो अंडरग्राउंड पानी होता है। आपको पता ना, जमीन के अंदर कहीं भी पानी होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर में ये दो आते हैं, ट्यूबवेल एंड हैंडपंप। उसके बाद रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, सबसे हमारा मेन सोर्स क्या है वाटर का? रेन। व्हेन इट रेन्स, जब रेन आती है, वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, रिवर एंड पॉन्ड्स। जब रेन आती है तो वाटर इनमें कलेक्ट होता है, लेक में, रिवर में, पॉन्ड में, झील, नदी, तालाब, सब किससे भरते हैं? बारिश। इट गोज डीप अंडर द ग्राउंड, वह अंडरग्राउंड तक जाते हैं। इट फाइंड्स इट्स वे इनटू वेल्स, और वह वहां मतलब कुएं का जरिया वो ढूंढ लेते हैं अपने आप। नेक्स्ट है हमारा, लेट अस सेव वाटर, वाटर हमें सेव कैसे करना चाहिए, वाटर को वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं अब जगह जगह पानी की कमी हो जाती है, तो पानी हमारे लिए, वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, इट इज प्रीशियस, वह हमारे लिए बहुत ही अमूल्य चीज है, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कहीं वेस्ट हो भी रहा है तो हमें उसे बचाना चाहिए। कैसे कैसे बचा सकते हैं? टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज, आपको टैप नल जो है ऑफ कर देना चाहिए जब आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि अगर देखो जैसे आप हैंड वॉश करते हो, आप जेब में साबुन लगा रहे हो, जेब में नल चला पड़ा है, तो कितना पानी उसमें वेस्ट हो रहा है ना, हम उसमें बीच में ऑफ भी कर सकते हैं, या कहीं फ्री ऐसे ही नल चल रहा है तो आप उसे ऑफ करो, क्योंकि ये हमारा पानी वेस्ट हो रहा है। डू नॉट लीव द होज ऑन इन द गार्डन, गार्डन में ये नहीं है कि पाइप को खुला छोड़ दो, पानी बह रहा है बहने दो, ऐसे नहीं, हमें पानी को बचाना चाहिए। रिपेयर लीकली पाइप्स, पाइप लीक हो जाते हैं, वहां से पानी वेस्ट होता रहता है, टंकी का पानी सारा वेस्ट होता है, तो वो पाइप भी हमें रिपेयर करवाना चाहिए ताकि हमारा पानी वेस्ट ना हो। डू नॉट मेक वाटर डर्टी, हमें वाटर मतलब पानी जो है वो गंदा नहीं करना चाहिए। ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? क्लीन वाटर। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो डर्टी वाटर होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय, आप वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं?
मतलब साफ कैसे कर सकते हैं? वाटर फिल्टर, एक तो होता है वाटर फिल्टर के जरिए, जिसमें वाटर अपने आप फिल्टर होता है, उसकी जो भी डस्ट होती है, कुछ भी होती है, वो उसमें नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर पानी साफ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग। अगर हम पानी को गर्म कर लेते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने कीटाणु होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो हम अगर पानी को गर्म कर लेते हैं तो वो भी हमारा फिल्टर वाटर ही हो गया। फिर है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग के जरिए भी फिल्टर मशीन भी लगी होती है, उससे भी वाटर फिल्टर होता है। तो ये हमारे तीन प्यूरिफाइड करने के वाटर साधन है। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़े, वो पॉइंट्स एक बार रिवाइज करते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम वाटर के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी नीड वाटर फॉर मैनी यूजेस, हमें वाटर जो है वो बहुत सारे यूज के लिए चाहिए। ये नहीं है कि केवल पीने के लिए पानी चाहिए, पानी के बिना बहुत सारे काम होते हैं पानी से। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन्स, रिवर्स, पॉन्ड, लेक एंड सी, हमें वाटर किस किस से मिलता है, रिवर, रेन, पॉन्ड, लेक, सी। अंडरग्राउंड वाटर इज पुल्ड आउट बाय हैंडपम्प एंड ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो किसके जरिए निकाला जाता है, हैंडपम्प और ट्यूबवेल्स। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, अगर आपसे पूछे वाटर का मेन सोर्स क्या है तो वो है हमारा रेन। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। इट इज प्रीशियस, वह हमारे लिए बहुत अमूल्य है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, गंदा पानी जो हम पीते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमारी हेल्थ के लिए कैसा वाटर अच्छा होता है, क्लीन वाटर। तो हमेशा हमें कैसा वाटर पीना चाहिए, क्लीन वाटर। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर रीड करा है, आप भी बच्चों ये चैप्टर रीड करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हमें ये चैप्टर ही रीड दोबारा करना है। ठीक है, तो आपको भी ये चैप्टर घर पे रीड करना है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप एक बार अपने आप भी पढ़ो। थैंक यू।